हे गाइस वेलकम टू द सेशन इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं नौ दिसंबर के करंट अफेयर्स का जिसमें कुछ हम रिवीजन करेंगे कल के और फिर आगे देखेंगे नई हेडलाइंस ये हमने कर लिए थे पिछली क्लास में KVIC के के अध्यक्ष मनोज कुमार ने नैनीताल के चोसला गाँव में खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा पुनर्निर्वासित परियोजना का उद्घाटन किया ये हमने कर लिया था इसको एक बार फास्ट तरीके से रिवाइज कर लेंगे स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में इकतालीसवें भारतीय अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेले आई आई टी एफ में सार्वजनिक संचार और आउटरीच में उत्कृष्ट योगदान का पुरस्कार जीता है दो बैच की आई अधिकारी लक्ष्मी सिंह को नोएडा का नया पुलिस पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया और वह राज्य की पहली महिला आयुक्त पुलिस आयुक्त बन गई हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है इसको ध्यान रखेंगे यूपी की पहली महिला पुलिस आयुक्त बनी है दो हजार बैच की आईपीएस अधिकारी लक्ष्मी सिंह ये याद रखना मेरियम बेबस्टर ने दो हजार बाईस के अपने शब्द गैस लाइटिंग की घोषणा की है ये गैस लाइटिंग वर्ड हमने पढ़ लिया था इसको भी ध्यान रखना अच्छा सवाल है गुजरात तैतीस जिला मुख्यालयों में से प्रत्येक में ट्रू फाइव प्राप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है यह भी याद रखना अच्छा क्वेश्चन है ईरानी फिल्म नरगेसी ने ICFT यूनेस्को गांधी पदक जीता यह भी याद रखना अच्छा सवाल बन सकता है नरगेसी ने यूनेस्को गांधी पुरस्कार जीता है स्टेफनी फ्रापॉर्ट इसको भी याद रखना पुरुषों के विश्व कप मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन जाएंगी मतलब बन गई हैं जब फीफा ने घोषणा की कि वह जर्मनी और कोस्टा रिका के बीच गुरुवार के ग्रुप ई मैच की कमान संभालेंगी तो ये स्टेपनी पार्ट जो है फरा पार्ट सॉरी स्टेपनी पार्ट ये पुरुषों के विश्व कप मैच में रेफरी बनने वाली पहली महिला बन गई हैं संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को ने फ्रेंच बेगुएट को अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है तो यूनेस्को ने जो है फ्रेंच बेगुएट को सांस्कृतिक अमूर्त सांस्कृतिक विरासत का दर्जा दिया है ये चीज़ भी हमने पढ़ ली थी और अच्छा सवाल है यहाँ से सवाल बन सकता है कुदुम्बश्री के नेतृत्व में केरल राज्य में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का नई चेतना लिंग अभियान शुरू किया गया है मेघालय कैबिनेट ने मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक देखभाल नीति को जारी किया और ये पूर्वोत्तर का पहला राज्य इसको जारी करने वाला बन गया है और भारत का तीसरा राज्य भी ध्यान रखेंगे हॉर्निबल फेस्टिवल 2022 का तेईसवा संस्करण जो हॉर्निवल फेस्टिवल है उसका तेईसवा संस्करण 2022 में नागा हेरिटेज विलेज किसामा में शुरू हुआ है एक दिसंबर से दस दिसंबर तक ये मनाया जाएगा तो हॉर्निवल फेस्टिवल कहाँ का है इसको ध्यान रखेंगे ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है तो अब की टॉप हेडलाइन हम इस पर नज़र डाल देते हैं आज की ये डेज हैं कुछ इन पर नज़र डाल लेना और इनको लिख लेना अपनी कापी में नोट्स बना लेना वर्ल्ड एड्स डे एक दिसंबर को मनाया जाता है नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे दो दिसंबर को मनाया जाता है और इंटरनेशनल डे फॉर द एवोल्यूशन ऑफ सलेब्री यानी कि जो गुलामी है उसको अबोल्यूशन के लिए डे मनाया जाता है इंटरनेशनल ये भी दो दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे ये भी दो दिसंबर को मनाया जाता है वर्ल्ड डे ऑफ द हेंडी और इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सनस विद डिबिलिटीज़ ये तीन दिसंबर को मनाया जाता है हैंडी या डिसबलिटीज़ वाले पर्सन हैं उनके लिए डे है थर्ड दिसंबर को तो ये सारी चीज़ें याद रखना इसको इम्पोर्टेंट है यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं ये जो तरनजीत संधू है इनके टेन्योर को जनवरी 2023 तक बढ़ा दिया है ये यूएस में एम्बेसडर हैं भारत के तरनजीत संधू यूएस में भारत के एम्बेसडर हैं इनके टेन्योर को इनके कार्यकाल को 2024 की जनवरी तक बढ़ा दिया गया है अमेरिका में भारत के राजदूत तरनजीत सिंह संधू का कार्यकाल भारत सरकार द्वारा 31 जनवरी 2024 तक एक वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया संधू जनवरी 2022 में सेवानिवृत्त यानी रिटायर होने वाले थे इससे पहले 2020 में तरणजीत सिंह संधु ने अपने पूर्ववर्ती हर्षवर्धन सरंगला से संयुक्त राज्य अमेरिका में नए भारतीय राजदूत के रूप में कार्यभार संभाला था यानी कि तरणजीत संधु से पहले जो अमेरिका में भारत के राजदूत थे वो थे हर्षवर्धन सरंगला जो अब जी ट्वेंटी के मुख्य समन्वयक हैं संधु इससे पहले श्रीलंका में भारत के उच्चायुक्त थे तो अमेरिका में जाने से पहले वहाँ के राजदूत बनने से पहले श्रीलंका में उच्चायुक्त थे तरणजीत सिंह संधू ये उन्नीस सौ अठासी बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं वॉशिंगटन डीसी में 2013 और 17 के बीच तीन बार मिशन के उप प्रमुख के रूप में और फिर 2020 की शुरुआत में राजदूत के रूप में इन्होंने कार्यभार संभाला था डीजी यात्रा सुविधाएं दिल्ली वाराणसी और बेंगलोर हवाई अड्डों पर शुरू कर दी गई हैं डीजी यात्रा दिल्ली वाराणसी और बेंगलोर तीनों हवाई अड्डों पर शुरू कर दी गई हैं जो तो केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं इन्होंने एक दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल हवाई अड्डा है यानी कि आई हवाई अड्डा वहां पर डिजी यात्रा सुविधा का उद्घाटन किया है यह सुविधा एक साथ कैंपेगोड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर और लाल बहादुर शास्त्री अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वाराणसी में भी शुरू की गई तीन शहरों में शुरू कर दी गई है शुरुआत में डिजी यात्रा सुविधा इसके तहत सात हवाई अड्डों का चयन किया गया है पहले चरण में तीन हवाई अड्डे और दूसरे में चारों को स्टार्ट किया जाएगा तो पहले में दिल्ली वाराणसी और बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ है दूसरे चरण में इसे मार्च 2023 से चार और हवाई अड्डों में लागू कर दिया जाएगा ध्यान रखेंगे दिल्ली वाराणसी और बेंगलुरु से स्टार्ट हुई है सरकार जो है मार्च 2023 तक दूसरे चरण में जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट हैदराबाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट कोलकाता पुणे इंटरनेशनल एयरपोर्ट पुणे और विजयवाड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट विजयवाड़ा में डिजी यात्रा सुविधा करने की योजना बना रही है डिजी यात्रा चेहरे की पहचान तकनीक पर आधारित है और बोर्डिंग प्रक्रिया को तेज़ और निर्बाध बनाएगी जब हम प्लेन में यात्रा करते हैं वहाँ पर बोर्डिंग प्रक्रिया होती है तो उसको तेज़ बनाने के लिए ये डिजी यात्रा जो पहचान चेहरा पहचान एक तरीके की तकनीक है उसको लागू किया गया है यात्रों को सेवा का लाभ उठाने के लिए अपने संबंधित आधार कार्ड के माध्यम से डिजी यात्रा ऐप पर पंजीकरण करना होगा तो एक तरह की ये पहचान हो जाएगी वहां पर चेकिंग में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा 2022 का नौसेना दिवस जो है विशाखापटनम में मनाया जाएगा पहले दिल्ली में मनाया जाता था जो नौसेना दिवस है हर साल चार दिसंबर को मनाया जाता था आमतौर पर भारत के राष्ट्रपति के कमांडर इन चीफ की उपस्थिति में नई दिल्ली में आयोजित होता था क्योंकि भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो दिल्ली में रहते हैं अब उनकी उपस्थिति होती है ये कमांडर इन चीफ होते हैं तीनों सेनाओं के तो इसकी वजह से इनकी उपस्थिति करने के लिए दिल्ली में इसको मनाया जाता था लेकिन इस साल जो है पहली बार दिल्ली में आयोजित ना करके इसको दिल्ली से बाहर आयोजित किया जा रहा है तो चार दिसंबर दो को विशाखापत्तनम में एक ऑपरेशनल डिमॉन्स्ट्रेशन के माध्यम से भारत की युद्ध कौशल और क्षमता का प्रदर्शन करने की पूरी यहाँ पर की गई है भारतीय नौसेना राष्ट्रीय राजधानी से महत्वपूर्ण घटनाओं और उत्सवों को स्थानांतरित करने के लिए प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण के अनुसार विशाखापत्तनम में अपना वार्षिक नौसेना दिवस समारोह दो का आयोजन कर रही है आठ अक्टूबर को मनाया जाने वाला भारतीय वायुसेना दिवस पहली बार दिल्ली के बाहर चंडीगढ़ में आयोजित किया गया था भारतीय जो वायुसेना दिवस है आठ अक्टूबर को मनाया जाता है तो ये पहली बार दिल्ली से बाहर आयोजित हुआ था चंडीगढ़ में भारतीय सेना ने यह भी घोषणा की है कि अगली सेना परेड 2023 ये पंद्रह जनवरी 2023 को सेना के दक्षिणी कमान क्षेत्र में नई दिल्ली के बाहर आयोजित की जाएगी यानी कि वायुसेना जो दिवस है उसकी भी एक बार चंडीगढ़ में आयोजित किया जा चुका है अब विशाखापट्टनम में आयोजित हो रहा नौसेना दिवस और जो 2023 की परेड है वो भारतीय सेना की वो 15 जनवरी 2023 को ये भी दिल्ली के बाहरी क्षेत्र में आयोजित की जाएगी संजय मल्होत्रा टेक्स चार्ज एज रिवेन्यू सेक्रेटरी भारत के रिवेन्यू सेक्रेटरी कौन बने हैं? संजय मल्होत्रा। सवाल पूछा जा सकता है सेक्रेटरी के बारे में कि भारत के नए रिवेन्यू सेक्रेटरी कौन है संजय मल्होत्रा वरिष्ठ नौकर शाह संजय मल्होत्रा ने एक दिसंबर 2022 को राजस्व विभाग वित्त मंत्रालय में सचिव के रूप में पदभार ग्रहण कर लिया है संजय मल्होत्रा ने तरुण बजाज का स्थान लिया है इनसे पहले जो राजस्व विभाग के सचिव थे वो थे तरुण बजाज तीस नवंबर दो हजार बाईस को सेवानिवृत्त हो गए थे तरुण बजाज और अब एक दिसंबर दो हजार बाईस से संजय मल्होत्रा ने इनका स्थान ले लिया है रिवेन्यू सेक्रेटरी अभी फिलहाल के हमारे ये संजय मल्होत्रा हैं और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एन एस ए अजीत डोभाल हैं बहुत इम्पोर्टेंट नियुक्ति हैं ध्यान रखना इनको पूछे जाने वाले सवाल हैं कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गाउआ है और होम सेक्रेटरी हैं अजय कुमार भल्ला ये सभी नियुक्ति याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सवाल यहाँ से बनते हैं इंटरनेशनल लिशोफोन फेस्टिवल ट्वेंटी ट्वेंटी टू टू बी हेल्ड फ्रॉम थ्री टू सिक्स दिसंबर इन गोवा इंटरनेशनल जो ल्यूसोफेन फेस्टिवल है वो तीन से छः दिसंबर 2022 तक गोवा में आयोजित हो जा रहा है हो रहा है विदेश मंत्रालय भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद और गोवा सरकार के साथ साझेदारी में उत्सव का आयोजन कर रहा है ये महोत्सव जो है लुसोफोन की सुविधा के साथ भारत के जुड़ाव को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है गोवा का जो लुसोफोन है वो उसकी दुनिया के साथ ऐतिहासिक संबंध रहा है इसे ओरिएंट फाउंडेशन और कैमोस इंस्टीट्यूट जैसे पुर्तगाली सांस्कृतिक संस्थानों की उपस्थिति के माध्यम से पोषित किया गया है जो भारत में पुर्तगाली भाषा और संस्कृति को बढ़ावा देते हैं इस वजह से इसको किया जाता है आयोजित किया जाता है केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में कनेक्टिविटी का विस्तार करने के लिए कई उड़ानों का उद्घाटन किया है जो तो पूर्वोत्तर भारत है उसकी कनेक्टिविटी बढ़ाने के लिए कई उड़ानों का उद्घाटन किया है ये उड़ानें जो हैं इंडिगो और एलायंस एयर द्वारा संचालित की जाती हैं यानी कि इंडिगो एयरलाइंस और एलायंस एयर इंडिया द्वारा एयर एयर द्वारा इनको संचालित किया जाता है नया मार्ग दो प्रमुख मेट्रो शहरों के साथ पूर्वोत्तर क्षेत्र की कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा इंडिगो द्वारा संचालित कोलकाता के रास्ते ईटानगर मुंबई उड़ान शुरू हो गई है दो बार साप्ताहिक डिब्रूगढ़ ईटानगर जीरो उड़ानें एलायंस एयर द्वारा संचालित की गई हैं डिब्रूगढ़ ईटानगर और पासीघाट दो बार साप्ताहिक उड़ाने रिलायंस इंडिया द्वारा संचालित की गई हैं तो इसके साथ हमारी जो पकड़ है वो मजबूत करनी है मुंबई रैंक्स ट्वेंटी सेकेंड इन ग्लोबल प्राइम सिटीज इंडेक्स बाई नाइट फ्रैंक जो नाइट फ्रैंक है उसकी रिपोर्ट में मुंबई को प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स क्यू थ्री दो हजार बाईस में बाईसवीं रैंक दी गई है मुंबई को तीन भारतीय शहर हैं मुंबई बेंगलुरु और नई दिल्ली इसमें दो हजार बाईस की तीसरी तिमाही में औसत वार्षिक कीमतों में वृद्धि दर्ज की है बेंगलुरु की रैंक इकतालीसवें स्थान के मुकाबले 27 हो गई जबकि दिल्ली की अड़तीसवें स्थान के मुकाबले छत्तीस पर पहुंच गई है दुबई में 2022 में प्राइम कीमतों में सबसे तेज वृद्धि की गई बैलिंगटन सबसे कमजोर प्रदर्शन करने वाला बाजार था दुबई सबसे ज्यादा और बैलिंगटन सबसे कम इंडियाज मेटर्नल मोटेलिटी रेशियो डिप्स टू नाइनटी सेवन पर लाइक लाइव वर्थ इन टू थाउजेंड एटीन टू एटीन ट्वेंटी इसके अनुसार जो है मातृ मृत्यु दर यानी कि बच्चे के जन्म के टाइम पर जो माताएं की डेथ हो जाती है उसमें दो हजार चौदह से सोलह में एक लाख जीवित पर एक सौ तीस महिलाएँ यानी कि माताएँ डेथ कर जाती थी मर जाती थीं लेकिन अब ये घटके अट्ठारह उन्नीस में नाइन्टी हो गई हैं तो 2014 से 16 में जो टाइम था और 18 से 20 में जो टाइम है वहाँ पर काफ़ी सुधार हुआ है जहाँ एक लाख महिलाओं महिलाएं जो हैं उनमें से एक मर जाती थी अभी 97 की डेथ होती है इतना तो हमने इसमें प्रगति कर ली है यानी कि इसमें सुधार कर लिया है असम में उच्चतम एम एम आर एक सौ है जबकि केरल में सबसे कम उन्नीस प्रति लाख महिलाएं हैं यानी कि के केरल में सिर्फ एक लाख महिलाओं पर उन्नीस महिलाएं डेथ करती हैं बच्चे के जन्म के टाइम पे लेकिन असम में सबसे ज़्यादा है वहाँ पर एक सौ पिचानवे कर जाती हैं लेकिन नेशनल लेवल पर ये नाइन्टी सेवन है डेटा ध्यान रखना यहाँ से सवाल बन सकते हैं असम के बाद एक सौ तिहत्तर प्रति लाख जीवित जन्मों के एम के साथ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश एक सौ है केरल के बाद महाराष्ट्र तैतीस तेलंगाना तैंतालीस यानी कम में केरल के बाद महाराष्ट्र है फिर तेलंगाना है और ज्यादा में असम के बाद एक मध्य प्रदेश है और फिर उत्तर प्रदेश में एक है तो डाटा याद रखना सवाल बनने के चांसेस है राष्ट्रीय स्तर पर मातृ मृत्यु की सबसे अधिक संख्या यानी कि बत्तीस परसेंट बीस से चौबीस वर्ष की आयु वर्ग में हुई है यानी कि बीस से चौबीस वर्ग की जो महिलाएं हैं मातृ उनकी मातृ मृत्यु दर सबसे ज्यादा हुई है बत्तीस परसेंट इसके बाद पच्चीस से उनतीस वर्ष की जो महिलाएं हैं उसमें डाटा रिकॉर्ड जो है तीस परसेंट है और तीस से चौंतीस साल की जो महिलाएं हैं उनमें बीस परसेंट ये मृत्यु हुई है तो ये डाटा भी काम का है जो कम उम्र की महिलाएं हैं कम उम्र की महिलाएं माँ बनती हैं उनमें ये ज़्यादा दर्ज की गई है तीस बत्तीस परसेंट और बीस से चौबीस साल के बीच में ये जो डाटा है वो बत्तीस परसेंट का है पच्चीस से उनतीस परसेंट में तीस परसेंट महिलाओं की डेथ हो गई है और तीस से चौंतीस परसेंट वर्ष में जो है बीस परसेंट की डेथ हुई है आईसीजी एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर एम के थर्ड चेन्नई में कमीशन कर दिया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर एम के थर्ड स्क्वाड्रन को आईसीजी एयर स्टेशन चेन्नई में डीजी वी एस पठानिया द्वारा पठानिया द्वारा कमीशन कर दिया गया था कुल सोलह ए एल एच एम के थर्ड विमानों को चरणबद्ध तरीके से भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया इनमें से चार विमान चेन्नई में तैनात हैं या नाम याद रखेंगे एम के थर्ड एल एच एम के थर्ड हेलीकॉप्टर स्वदेशी रूप से हिंदुस्तान एयरनोटिक्स लिमिटेड द्वारा निर्मित है तो इसको भी ध्यान रखना है कंपनी भी पूछ लेता है किसने निर्माण किया है इसको तो भारत में निर्मित है एच ए एल यानी हिंदुस्तान एयरनोटिक्स लिमिटेड ने इसको निर्मित किया है इनकोवैक ये एक वैक्सीन है इसकी मंजूरी मिल गई है दुनिया की पहली इंट्रा नेजल वैक्सीन यानी कि नाक में नाक के थ्रू इसको लगाया जाएगा भारत बायोटेक के इनकोवैक आईएनसीओवीएसीसी इनकोवैक इसको ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से कोविड बूस्टर खुराक के लिए मंजूरी मिल गई है यानी कि कोविड बूस्टर खुराक के रूप में इसको मंजूरी मिली है इनकोवैक को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया से किसकी है ये भारत बायोटेक ने बनाई है इनकोवैक एक पूर्व संलयन स्थित सार्स को कोब टू स्पाइक प्रोटीन के साथ एक पुनः संयोजक प्रतिकृति कमी वाले वायरस वैक्टेरेड वैक्सीन है इनकोवैक को वाशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी में विकसित किया गया है तो ये पूछा जा सकता है किस विद्या विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की थी इनकोवैक के साथ इनकोवैक ने वॉशिंगटन विश्वविद्यालय के साथ साझेदारी की थी और तब ये बनाया था अब हम बात करते हैं आज के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर द पैराडाइज ऑफ़ फ़ूड के लिए जे पुरस्कार 2022 किसे मिला है हुज़ रिसीव्ड जे सी बी प्राइज़ ट्वेंटी ट्वेंटी टू फॉर द पैराडाइज ऑफ फूड माधुरी विजय खालिद जावेद या बेनियामिन या हरीस ये पुरस्कार किसको मिला है जे पुरस्कार 2022 हज़ार बाईस द पैराडाइज ऑफ फूड के लिए तो ये मिला है खालिद जावेद को सेकेंड आंसर हो जाए उसका दूसरा खालिद जावेद द पैराडाइज फूड विच कंट्री रिप्लेसेज चाइना टू बिकम द बिगेस्ट सप्लायर ऑफ फर्टिलाइजर टू इंडिया कौन सा देश उर्वरक का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बनने के लिए तैयार है जो भारत को सबसे बड़ा उर्वरक आपूर्तिकर्ता बनेगा चीन की जगह लेगा उसमें तो यू ए रसिया जापान यूनाइटेड इस्टेट भारत को उर्वरक का आपूर्तिकर्ता बनने में चीन की जगह लेने वाला कौन सा देश है तो ये रसिया है सेकेंड आंसर हो जाएगा उसका चीन की जगह ले रहा है रसिया उर्वरक उत्पादन या सप्लाई करने में संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है संगाई फेस्टिवल इज अ कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट मणिपुर मेघालय सिक्किम या उड़ीसा संगाई महोत्सव किस राज्य में मनाया जाने वाला सांस्कृतिक उत्सव है संगाई फेस्टिवल इज अ कल्चरल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट तो संगाई महोत्सव मनाया जाता है मणिपुर में फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग इन टू थाउजेंड ट्वेंटी टू दो हजार बाईस में भारत प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का मेजवान कौन सा शहर होगा दो हजार बाईस में भारत प्रशांत क्षेत्रीय संवाद का मेजवान कौन सा शहर होगा विच सिटी इज द होस्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक रीजनल डायलॉग इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू कोलम्बो न्यू डेली विशाखापट्टनम और कोची तो ये होने वाला है न्यू डेली जो भारत प्रशांत क्षेत्रीय संबंध का मेजवान शहर होगा नई दिल्ली सेकंड इसका आंसर होगा बंडारू बिल्सन बाबू हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द नेक्स्ट एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू विच कंट्री बंडारू बिल्सन बाबू को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है बंडारू बिल्सन बाबू को किस देश में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है कंबोडिया यूएई, ईस्ट तिमोर या कोमोरोस तो इनको नियुक्त किया गया है कोमोरोस में बंडारू मिल्सन बाबू को डी आंसर होगा इसका फोर्थ हु अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी ओ तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओ के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है ओ के अध्यक्ष के रूप में किसको नियुक्त किया गया है ओ के का अध्यक्ष बनाया गया है अरुण कुमार सिंह को एनजीसी का अध्यक्ष अच्छा सवाल है पूछा जा सकता है अरुण कुमार सिंह को इसका अध्यक्ष बनाया गया है इज द द थीम ऑफ एनुअल हेल्ड इन बाली बाली इंडोनेशिया इंडोनेशिया में आयोजित वार्षिक शिखर सम्मेलन का विषय क्या है पेंडेमिक चैलेंजेस क्राइसिस एंड अपॉर्चुनिटीज सस्टेनेबल ग्रोथ रिकवर टूगेदर रिकवर स्ट्रॉगर तो जो जी ट्वेंटी का शिखर सम्मेलन हुआ है बाली इंडोनेशिया में उसका थीम विषय था रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रोंगर अच्छा सवाल है यहाँ से बनने के चांस है व्हिच स्टेट हैज हाईएस्ट इंस्टॉल ग्रिड इंटरेक्टिव रिनेबल पावर कैपेसिटी इन इंडिया किस राज्य में भारत में उच्चतम स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता है किस राज्य में भारत में उच्चतम स्थापित ग्रिड इंटरेक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता है कर्नाटका तेलंगाना गुजरात या मध्य प्रदेश किस राज्य में उच्चतम स्थापित ग्रिड इंटरैक्टिव अक्षय ऊर्जा क्षमता है यह है कर्नाटक का आंसर होगा इसका फर्स्ट विच अमंग स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च पोर्टल अमर सरकार निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार ने एक नया पोर्टल अमर सरकार लॉन्च किया है अमर सरकार नया पोर्टल जो है किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया है त्रिपुरा वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश या आसाम तो अमर सरकार जो पोर्टल है वो त्रिपुरा की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है आंसर होगा फर्स्ट कैम्ब्रिज डिक्शनरी हैज डिक्लेयर्ड विच वर्ड ऑफ द इयर ट्वेंटी ट्वेंटी टू कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को दो हजार बाईस का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने किस शब्द को दो हजार बाईस का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है परमे क्राइसिस होमर होमो क्राइसिस या होमेज जो कैम्ब्रिज डिक्शनरी है उसने दो हज़ार बाईस का वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है होमर को सेकेंड आंसर हो जाएगा इसका तो आज का सेशन हम यहीं पर फिनिश करते हैं अगर आप लोग इस सेशन की पीडीएफ चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में वहां पर आपको मिल जाएगा और ये पीडीएफ आप उसको ज्वाइन करने के बाद ले सकते हैं बाकी सेशन कैसा लगा आप अपनी अब जो है राय हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं फिर हम अगले सेशन में आपसे मिलेंगे नए वीडियो में तब तक के लिए बाय थैंक्स फॉर वॉचिंग